सुनने के लिए आप आई हुई थी। प्रधानमंत्री ने 4200 करोड़ की बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, हाँ। क्या लगा? मेरा नाम सीमा बिस्टे है और आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए, श्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी आए, हाँ, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। हमने उनकी उनको सुना, उनकी योजनाएं सुनी, तो हमें बहुत अच्छा लगा उनके बारे में सुन के। और उन्होंने जो हमारे उत्तराखंड के बारे में बोला, मतलब कि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और उन्होंने ये बोला कि 7 किलोमीटर से हम यहाँ से आ रहे थे, उन बच्चों ने मतलब लड़कियों ने आरती से हमारा स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं बहुत गदगद हो गया, मैं बहुत वो आभार व्यक्त करता हूँ, हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के, थैंक यू। आपका क्या नाम है और क्या लग रहा है प्रधानमंत्री? मैडम आप हट जाओ, आप आ जाओ। इस 4200 करोड़ से आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री क्या बदलेगा, पूरे प्रधानमंत्री की इस बड़ी घोषणा से क्या बदलने जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम दिव्या भट्ट है और हम बहुत अच्छे से, बहुत हमें अच्छा लगा आज मोदी जी हमारे बीच आए, और हमें लगता है कि ये जो योजना है इससे उत्तराखंड की तस्वीर जरूर बदलेगी। धन्यवाद। माना जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी आगाज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की इस रैली के जरिए कर चुकी है, और आप क्या कह रहे हैं कि पांचों लोकसभा सीटें एक बार फिर तीसरी बार लगातार जीतने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह का जनता में उत्साह था, सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक 7 किलोमीटर के अंदर लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े, उससे ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि मोदी जी के सामने कोई भी नहीं है, मोदी जी पे उत्तराखंड की जनता का अटूट विश्वास है। देखो, पांचों सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन हम पांचों सीटें इस बार 50+1 से जीतना चाहते हैं, यानी हम मार्जिन जो है वो लाखों में रखना चाहते हैं, 50% से ऊपर हम जाना चाहते हैं। और ये आज इस पिथौरागढ़ की रैली ने, मानस खंड में जो उनका पदार्पण हुआ, उससे साबित कर दिया जनता ने कि प्रधानमंत्री जी, पूरा उत्तराखंड आपके साथ है और पूर्ण रूप से आपके साथ है, आपके हर पल हर कदम का हम साथ देंगे। धन्यवाद। क्या मिला आज उत्तराखंड को प्रधानमंत्री के दौरे से, क्या उम्मीद की जाए, क्या 2024 का चुनावी आगाज भारतीय जनता पार्टी के लिए कर चुकी है? विश्व के सबसे ताकतवर नेता और सबसे लोकप्रिय नेता आज उत्तराखंड देवभूमि का सौभाग्य था कि आज नरेंद्र मोदी जी यहां पर पार्वती ताल और जागेश्वर मंदिर ऐसे सभी नामांकित स्थानों से होते हुए आज यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया। बहुत बड़ी सभा यहाँ पर पिथौरागढ़ की के क्षेत्र में हुई, और इसमें 4200 करोड़ की 23 परियोजनाओं का आज उन्होंने शिलान्यास किया, और यहाँ की जनता के लिए उन्होंने मानस खंड और जितनी परंपरा की अपनी योजनाएं हैं उनका भी आगाज किया है। इस देवभूमि के सभी कार्यकर्ता, इस देवभूमि की सारी जनता उनका बहुत आभार व्यक्त करती है। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस यहाँ की उत्तर देवभूमि की इस सभा को बहुत संबोधित किया, और यहाँ इस उत्तराखंड के नहीं, पूरे इस विशेषकर पिथौरागढ़ की जनता बहुत उत्साहित है और बहुत ऐतिहासिक ये रैली हुई है। मेरा नाम लक्ष्मी रावत है, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, पर मैं उन्हें सामने से देखना चाहती थी पर नहीं देख पाई, और जो भी उन्होंने घोषणाएं की बहुत ही अच्छी थी, सारी जनता जागरूक हो गई, और धन्यवाद। मोदी जी यहाँ पर आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें सुविधा चाहिए हॉस्पिटल में, ICU वार्ड चाहिए और MRI चाहिए, हॉस्पिटल में सुविधा चाहिए। यहाँ का आदमी जब हल्द्वानी जाता है तो रास्ते में ही मौत हो जाती है। निवेदन है कि मोदी जी से हाथ जोड़ के हॉस्पिटल में सुविधाएं चाहिए हमें।